रात भर ना चाहिब रे टुन टुन तोरा बोली निकेने लोई कल कहिया सब खिनिया भाई रे तू ना टुनवा के बहिनिया लोई कल कहिया सब खिनिया भाई रे तू ना टुनवा के बहिनिया। बवासीर कर देंगे बेटा, याद रखना। नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? अभी ये वो गाना बजी था लो कि रात भर न चैबो रे डिम्पलवा ह्यू मरद रंगबाज, रात भर न चैबो रे कजलवा ह्यू मरद रंगबाज, और रात भर न चैबो रे पयलवा ह्यू मरद रंगबाज। जी हाँ, लगातार एक गाना में तीन तीन लड़कियों का नाम। ये है गाना टुनटुन लाल यादव का, एक भोसड़ी वाला सिंगर है झंडू टाइप का, जो सिर्फ अश्लीलता के लिए जाना जाता है। जब इसका गाना कोई नहीं सुन रहा हो, जब गाना नहीं बज रहा हो, तो किसी बहन बेटियों का नाम से गाना गा देगा, अपने जात पे गाना गा देगा, इस प्रकार की चीज़ें को बढ़ावा ही देता रहता है। और अभी तमाम लोग कह रहे हैं कि एक डिम्पल सिंगर के नचनिया है, एक डांसर है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, उसके ऊपर गाया है। ठीक है बेटा, तुम उसके ऊपर गाए हो, लेकिन सिर्फ उस गाने को डिम्पल सिंह नहीं सुन रही होगी, उस गाने को तमाम यूपी बिहार झारखंड की बहन बेटियां सुन रही होगी जिसका डिम्पल नाम है। और भोसड़ी वाले को एक बात तुमको बता देना चाहेंगे रे टुनटुन, समझा कि नहीं? अखिलेश यादव जी जो यूपी के एक जाने माने पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित जो नेता है ना, उनके पत्नी का भी नाम डिम्पल सिंह है। तो कैसे थोड़ा गाना तुम सिर्फ एक किसी कलाकार या नचनिया के लिए गाए हो रे? तुम्हारे गाने से तमाम वैसे पायल और काजल प्रभावित हो रहे हैं, शर्मसार महसूस कर रहे होंगे, गंदा लग रहा होगा। चुतिया सफाई भी ना बेटा, माए बाप तो तुमको परवरिश दिया ही है वैसा, समझे कि नहीं? माए बाप के तो गाली गलौज सुनवाते हो लोगों से, अब इसका सफाई आ रहा है कि हम इसको किया। चलो ठीक है, तुम एक नचनिया बजाने के लिए गाए, लेकिन काजल कौन थी रे, पायल कौन थी रे, कौन थी, कितना के सफाई दोगे? और थोड़ा कहना है, किसी पे गाना है तो पर्सनली गा के व्हाट्सअप कर दो ना, सोशल मीडिया पे काहे डालते हो? जब जब सोशल मीडिया पे डालोगे बेटा, तुम्हारे बाप के रूप में मगहिया जवान के दोनों भाई आएंगे और फिर कह रहे हैं, एक छत्तीसगढ़ से और एक बिहार से, बवासीर कर देंगे बेटा, याद रखना। इसके तत्उपरांत क्या हुआ ना कि तमाम वैसे हमें समर्थन करने वाले, हमारे मुहिम में खड़े और मगहिया जवान के साथ में खड़े लोग गाना लेकर आए, ये सुनिए। रात भर न चैन रे टुनटुनवा माई मरवा उस गली गली आ टुनटुन तू बहिन सुनरु बने तरा बाहुबली तारा माई का चुदो तार दिन निचका गिल बा बेटी बहन के टारगेट के गाना गा बता रे रे सुधर जो। रात भर न चैबो रे टुनटुनवा तोर बहिनिया भी हो जवान, कोई कह रहा है कि तोर बहिनिया हो चिनार, समझे? इस प्रकार की गाना सोशल मीडिया पे तैर रहा है, ट्रेंडिंग में लगातार मिलियंस क्रॉस कर गया है, समर के पेज पे, हमारे पेज पे, मगैया जवान के पेज पे। तब रे, अब तो बहन तो ऐसी फेमस हो गई, अब लोग कहेगा कि टुनटुनवा गलती करता है और माए बहन के काहे बोलते हैं, ई दूसरे के माए बहन बेटी के नाम काहे लेता है भाई, और हम छोड़ काहे दें से बताइए? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बाकी जो उखाड़ना है सो उखाड़ लेना, बढ़िया बढ़िया तो बाप दादा आया वो चल गया, समझे? ये तमाम ऐसे अश्लीलता परोस रहा है और फैला रहा है। माही मनीषा पर भी गाना गाया था, सुन लिए होंगे आप सब। हमने नहीं बोला कि चलो एक डांसर है उसका थंबनेल पोस्टर लगा के किया है ड्रामा, लेकिन काहे तो करोगे रे माही मनीषा? सिर्फ माही मनीषा को ही नाम नहीं है, भोसड़ी वाले चुप रहते हैं तो मतलब क्या लगता है तू, क्या लगता है तुरा कि नहीं बोल सकते हैं? रंग बोल दिए ना कि मगहिया जवान वही है, और मगहिया जवान का रंगत भी वही है और अंदाज भी वही है बेटा, कहीनों आएंगे और बवासीर कर देंगे। कितना तू गाना गाओगे रे? चार नहीं, यह है पचमा और दो तीन वो गाना बन गया है, 8 से 10 एपिसोड, दर्जन एपिसोड से तोरा हम एक गाना को ट्रोल करेंगे और तोरा ट्रोल करेंगे, जब तक तुम मौसेरी चचेरी ननेरी ददेरी फुफेरी बहन ना सुन ले कि तू का कर रहे हो, समझा? और लगातार जारी रहेगा अभी, कभी चिंता करना, मतलब तू ये चिंता नहीं कर रहे हो कि डिम्पल के आड़ में तमाम ऐसे बहन बेटियों का नाम है। तोरा जो परेशानी है तू पर्सनली गाली गलौज करना फोन से भाई, तू किसी नाम से कैसे गाना गाएगा? और माही मनीषा सिर्फ माही मनीषा को ही नाम नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार कोई नहीं लगता है पूरे इंडस्ट्री में, फिर कह रहे हैं और पहले, और ना हम कोई रिश्तेदार हैं, लेकिन
बेटा औकात तो थोड़ा दिखा देंगे क्योंकि बढ़िया बढ़िया ठंडा हो गया है साले, मतलब पता नहीं है इस चुतियों को, दोगले की औलाद को, 2 साल से जब से हम मगहिया जवान अश्लीलता का मुहिम चला रहा है, 2 साल से कोई कलाकार कोई बहन बेटी के नाम लेकर गाना नहीं गा रहा था, यानी भरोसे वाले भोसड़ी वाले ने गाया परसों गाना जिसमें तमाम 3 लड़कियों का नाम लिया है। तो भैया हम चुप कैसे रहें, अश्लीलता परोसे चुप कैसे रहें, जातिवादी के चुप कैसे रहें? कुछ लौंडे को लगा कि जातिवादी करते हैं, खाली एक समाज के कलाकार को बोलते हैं। तो अरे चुतिए देख बात बताना कि तोर जतिया गलती करेगा रे तो हम कौन जतिया के बोलेंगे? 2 साल से कोई जातीय कलाकार नहीं गा रहा था बहन बेटी पे गाना, गाया तो हम किकरा बोलेंगे बताओ, कभी सोचना और विचार करना। और तुम चंद लौंडे 2 कौड़ी की इसलिए चिल्लाते हो ना और इसलिए कमेंट्स बॉक्स में आते हो ना कि हमरो पता है कि साले तो तेरे घर में ना बहन होगा, बहन पैदा ही ना माँ के कुख में लक्ष्मी पैदा नहीं लिया होगा, और पैदा भी लिया होगा तो हो सकता है कि माही मनीषा डिम्पल काजल पायल नाम नहीं है। सोचो समझे, बाकी अच्छा अच्छा कहे ना कि झुका नहीं सकते हो, या जीवन जंग जारी रहेगा जब तक 2 कौड़ी के नल्ले और दल्ले की औलाद शांत नहीं बैठेंगे। बाकी वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा और आखिरी में फिर कहेंगे, शायद सुने नहीं होंगे लेकिन वैसे लोग नहीं बोल सकते, मगहिया जवान सबके लिए बोलेगा, आज अखिलेश यादव जी की वाइफ का भी नाम डिम्पल सिंह है, तो उसमें तो तुम नहीं दर्शाए हो ना कि टाइटल में डिम्पल सिंह नचनिया के लिए गाना हम गा रहे हैं। कुछो गा दोगे और कुछो बहानेबाजी कर दोगे, नहीं चलेगा बहानेबाजी, अश्लीलता का विरोध आजीवन और आजीवन जंग जारी रहेगा। बाकी वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए और गाना मत सुनिएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साल गुजर गया, बहुत लोग आए और गलियाएं, लेकिन अपनी गाली सुन के हम दोनों भाई ना आप सबके लिए खड़ा रहते हैं, कहीं विचार कीजिएगा। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार प्रणाम रहेगा और जय मगध जय बिहार रहेगा।